कॉन्ग्रेचुलेशन भाइयों, कॉन्ग्रेचुलेशन। जयसवाल ने आज एक बार फिर जयसवाल की याद दिला दी भाई। वटा इनिंग भाई, वटा परफॉर्मेंस भाई साहब, बहुत ही बढ़िया इनिंग आज शुभमन गिल और जयसवाल की तरफ से। नॉट आउट भाई, टारगेट भी बड़ा इजी तरीके से चेस कर लिया और ये सीरीज भी अपने नाम कर दी। इंडिया ने आज जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली है। आज हमने शुभमन गिल की और जयसवाल की पार्टनरशिप देखी। शुभमन गिल ने 53 पे 98 क्या सेंचुरी होते होते रहेगी, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ऐसी अगर आज की बात की जाए, परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी आज की जोड़ी देख के ना। इंडिया करण अर्जुन की जोड़ी हमें याद आ गई है, देखे जैसे विराट और रोहित की लगती थी किसी वक्त में। तो देखे अभी उन्हें गए 8 दिन नहीं हुए, लेकिन इंडिया के पास ऐसा टैलेंट मौजूद है जो उनके जैसे परफॉर्म करके दिखा सकता है। ये जो सीरीज है ये बच्चों ने जिताई है, हिंदुस्तान के उन्होंने जिताई है ये सीरीज। और उन्होंने ये बताया है कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ, हमारा सिस्टम, हमारी इन्वेस्टमेंट इतनी अच्छी है कि अगर कोई टीम में हो ना हो हम जिता के दिखाएंगे आपको। ये था वो मेरे जहन में पॉइंट था कि यार आज जीता क्या, हिंदुस्तान जीता या हिंदुस्तान का सिस्टम जीता है? आज क्या यंगस्टर जीते हैं या क्या यंगस्टर पे जो इन्वेस्टमेंट हुई वो जीती है? सो मेरे ख्याल में जो यंगस्टर पे इन्वेस्टमेंट हुई वो जीती है। तो जयसवाल तो है ही सेट, जयसवाल का तो अब नाम ऊपर चला गया है, टेस्ट में डबल सेंचुरी, कमाल देखो आप इंडिया की। ये सिर्फ इंडियन बीसीसीआई में ही हो सकता है कि जयसवाल जिसकी टेस्ट में डबल सेंचुरी है, जो T20 में 13 बॉल पे 50 मारा हुआ है, वो आदमी अब तक वनडे ही नहीं खेलता। तो यानी खौफ वनडे का है आपको, क्या कर यार, तो फिर भारत की टीम है। इंडिया ने पकड़ के, यंग इंडिया ने पकड़ के बजा दिया है जिम्बाब्वे को। ये जो पाकिस्तानी घंटे आके ये बात करते हैं ना कि वो इंडिया जी जिम्बाब्वे से हार रहा है तो मसान जीत रहा है, तो ये मेरी बात सुना दिला बेटा। उन्होंने कम से कम ये हिम्मत किया कि जिम्बाब्वे की फुल स्ट्रेंथ टीम के आगे अपने यंग बच्चे छोड़े हैं। आपने ना लास्ट ईयर 2023 में पाकिस्तान ने पाकिस्तान शाहीन की टीम भेजी थी जिम्बाब्वे में, और वो पाकिस्तान के सारे इंटरनेशनल प्लेयर थे। जिम्बाब्वे ने उस टीम को 5-1 से मारा था। डांडे साहब जो है, डांडे उनके डांडे उड़ गए और वो गए। बहुत शानदार कप्तानी की है गिल ने, तारीफ ना की जाए तो ज्यादती होगी। फ्रॉम ऑल ओवर द प्लेस टू 152, ये जिम्बाब्वे की टीम जो है माजरत दी है। पर मुश्किल कंडीशन में अच्छी परफॉर्मेंस जैसे देने वाले यंगस्टर भाई सिर्फ और सिर्फ इंडिया के पास हैं। जिम्बाब्वे की अच्छी खासी टीम को, एक्सपीरियंस टीम को, मैच्योर टीम की बजा के रख दी है यार, मैं कहूंगा बजा के रख दी है। इतनी बुरी हार देना आफ्टर पहला T20 हारने के, आप डाउन हो जाते हो। जिम्बाब्वे पहले T20 जीतने की खुशी से नहीं निकले और इंडिया ने T20 की हार बजा के रख दी। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच मैच का चौथा सीरीज खेला गया, जिसमें पहले पहले बाजी करते हुए जिम्बाब्वे की टीम ने 7 विकेट के नुकसान पे 152 रन ठुक डालती है, तो वहीं दोस्तों इंडिया टीम को 153 रन का एक लक्ष्य दे देती है। खैर दोस्तों, इतने ताकतवर इंडिया टीम के लिए कोई खास स्कोर तो नहीं था, लेकिन मात्र इंडिया के दो ही प्लेयर्स शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने इतने बड़े स्कोर को आसानी से अचीव कर लेते। दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने इस मैच के दौरान 53 गेंदों का सामना करते हुए 93 रन ठोक डालते हैं। यशस्वी जायसवाल ने इतने रन बना करके ये साबित कर दिए हैं कि हम सिर्फ IPL में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल में चलने वाले भी प्लेयर। यशस्वी जायसवाल के इस कैबिनेट को देख करके न सिर्फ भारत बल्कि अब पाकिस्तान भी यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल का दीवाना होते जा रहा है। दोस्तों इंडिया वर्सेज जिम्बाब्वे के बीच जितने भी सीरीज अभी तक हुई है ये बहुत ही रोमांचक हुई है। इसी के साथ दोस्तों जिम्बाब्वे टीम को 10 विकेट से इंडिया टीम ने हरा करके ये सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली है। दोस्तों इंडिया के इतने बड़े परफॉर्मेंस को देख करके अब पाकिस्तानियों का रिएक्शन क्या होने वाला है आप खुद ही सुन लीजिए। तुम अपनी क्रिकेट खेलो, हम तुम्हें कमजोर प्लेयर समझते हैं, कमाल प्लेयर हो, हाँ एलिगेंट हो, जरा चांस कम लेते हो, लेकिन ये जिम्बाब्वे के खिलाफ तुमने इतने चांसेस भी नहीं लिए कि तुम्हारी टीम के 17 रन और बन जाते। नहीं यार, नहीं कह रहा हूं कि अभिषेक आया साले ने पहली बॉल शायद डॉट खेली अभिषेक ने, उसके बाद से उसका बल्ला चल रहा था। और मुझे ये था कि यार अंदर से जब आदमी को एहसास हो जाता है ना कि यार ये कौन, ये क्या है, मतलब जयसवाल को अगर आपने खिलाना है तो जयसवाल बन डाउन खेल सकता था। चलो जयसवाल और तुम अभिषेक को ओपन करते हो। जयसवाल का फील नहीं होता हमें, वो बैट आदमी है। आपको सीनियोरिटी पे एंकर किया है ना, कप्तान बनाया गिल को, तो यार फिर तुम जब एंकर तुम नीचे आ जाते ना यार, तुम अपने आप को नीचे कर लेते कि यार चलो मैं नीचे खेल लेता हूँ आज, मैं चाहता हूँ कि आज अभिषेक 150 और मारे यार, ठीक है। वो इस वक्त मूड में था अपने सारे भाई समझने को और एडमायर करने का, मूड की बत्ती बना दी है, मतलब शर्मा ने कल्चर ही कुछ बना दिया टीम का यार इंडिया का। 6 T20 मैचेस की सीरीज में 5-1 से बजाई थी पकड़ के जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान की, तो आप ना चुप करके बैठ जाओ, जब आपके अपना पास साफ हो ना तो तब बात करना, ठीक है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाला काम ना किया करो, इंसान के बच्चे बना करो, आपका काम नहीं है बात करना। आप तो खुद जो है वो जो है क्रिमिनल हो, आप तो खुद जो है वो एक कहते ना इश्तियार ये हो, आपका तो काम ही नहीं बनता का बात करना।
ठीक है, इंसान के बच्चे बने, घंटा बजा दूंगा पकड़ के मैं, ऐसा मारूंगा, मैं कहता हूँ शक्लें भूल जाओगे अपनी, नाम भूल जाओगे अपना। और इंडिया के युवा खिलाड़ियों ने, इंडिया की सी टीम ने, अभी अभी विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे प्लेयर गए हैं, अभी ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव जैसे प्लेयर नहीं है, और यंगस्टर जो है सुंदर जैसे यंगस्टर, ऋतुराज गायकोड़ जैसे यंगस्टर, यार जिनके लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी टीम सबसे पहले है, अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पहले नहीं है, अपनी टीम सबसे पहले है यार, सीखने की जरूरत है। बाबर आजम घंटे को, मौलवी रिजवान को या ऋतुराज गायकोड़ से सीखने की जरूरत है भाई। ये जिम्बाब्वे के अलावा भी खेल के पाते यार, ये जो चितारा और ये जो मजराबानी जिनको इंडियन के बच्चे मार रहे हैं, इनसे बाबर आजम लोग स्ट्रगल करते हैं यार, इनसे खेला नहीं जाता, कभी 98 ऑल आउट और कभी कितने पे ऑल आउट हो जाते हैं, और फिर रोते हैं हमें जिम्बाब्वे ना बोलो। भाई इंडिया के बच्चे आउट क्लास कर रहे हैं जिम्बाब्वे को, डोमिनेट कर रहे हैं, वो जो इंग्लिश का एक सिंगल वर्ड इस घंटे ने सीखा हुआ है ना, वो डोमिनेट कर रहे हैं बच्चे यार। ये डोमिनेशन होती है टी20 क्रिकेट में, मुसलसल बैक टू बैक मारना और जिस तरह से मारना, ये सीखने लायक चीज है यार। हमारे घंटे कहां है और इंडिया के यंगस्टर्स आप देखो, प्रॉपर क्रिकेट यार, क्रिकेट के साथ साथ उनका जो स्किल लेवल चेक करो, जो उनका एक माइंडसेट बना हुआ है, वो तो एक अलग ही नेक्स्ट लेवल चीज है यार। अभिषेक नायर लोग लिख रहे हैं आगे, मेरा ख्याल से अपनी टीम ही लाता है ना कोच, ये तय है यार, ये हम जो भी कह के गए, हमने ये भी बताया कि कोच का ये होती है। अच्छा एक मैं आपको ऑफिशियल तो नहीं है, ऑफियर ऐसी एक बात हो रही थी किसी क्रिकेटर से पाकिस्तानी, अच्छा मैं ये नहीं बोलूंगा कि जो बात हो रही थी वो वाले क्रिकेटर नहीं थे जिनके जहन में हो गया, उन्होंने एक राय दी सही, उन्होंने मुझे अपनी राय दी यार, ये एक साल भी नहीं टिक पाएगा, गंभीर मसले होंगे, जो हमें भी पता है, लेकिन हम ये समझते हैं कि गंभीर को पता है, बता के दिया गया कि आप भारत की कोचिंग कर रहे हैं, वो बाहर बैठ के बयान देना कुछ और बात है, जब वो इंडिया के कोच होंगे तो वो लाइम लाइट में आएंगे, खड़े होंगे तो, लेकिन ये एक डर गंभीर के साथ है। अच्छा टीम हर कोच अपनी लाता है, छोटा मोटा सपोर्ट स्टाफ, एक दो लोगों को इतलात के मुताबिक पूछा गया रामन वगैरह को, तो उन्होंने कहा इतने कम पैसे हम तो नहीं बनेंगे। उसके अलावा अभिषेक नायर की जो कल आप बात कर रहे थे, अभिषेक नायर गंभीर का स्टाफ मेंबर है और गंभीर को ट्रस्ट है कि मेरे जो सपोर्ट रोल होते हैं ना, जैसे द्रविड़ को अपने लोगों पर ट्रस्ट था, क्योंकि यार इन लोगों के भी चार चार साल पूरे हो गए ना इन लोगों के, तो अब ये भी चाहेंगे, इन्होंने भी जीत देखे, बेस्ट टाइम हमेशा होता आपके हत्थे कोई टाइटल लगे और आप एक आधा साल अपने आप को एक्सटेंड ना करो जलील होने के लिए। आज शुभमन गिल और जयसवाल की तरफ से नॉट आउट भाई, टारगेट भी बड़ा इजी तरीके से चेस कर लिया और ये सीरीज भी अपने नाम कर दी। भैया खामियां जितनी भी हो इस टीम के अंदर, बहुत सारी खामियां तो है, लेकिन ये जीतने नहीं देते जिम्बाब्वे की टीम को, और मेरे ख्याल से इस टीम को जिस तरीके से मैं देख रहा हूं, ये पहली वाली टीम से ज्यादा खतरनाक बनने वाली है। यंग प्लेयर, ज्यादा पावर, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा छक्के और ज्यादा छौके। तो भाई जयसवाल ने आज एक बार फिर जो है अपना रिकॉर्ड को थोड़ा, वो कहते हैं ना कि फूल को थोड़ा पानी देते हैं तो गुलाब या फूल ताजा हो जाता है, तो भाई जयसवाल ने आज एक बार फिर जयसवाल की याद दिलाते हुए उसको पानी दे के रिकॉर्ड तोड़ा, ताजा कर दिया भाई। इंडिया ने आज जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली है। आज हमने शुभमन गिल की और जयसवाल की पार्टनरशिप देखी, शुभमन गिल ने 53 पे 98 क्या सेंचुरी होते होते रहेगी, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ऐसी अगर आज की बात की जाए परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी, आज की जोड़ी देख के ना इंडिया करण अर्जुन की जोड़ी हमें याद आ गई है, देखे जैसे विराट और रोहित की लगती थी किसी वक्त में, तो देखे अभी उन्हें कहीं 8 दिन नहीं हुए, लेकिन इंडिया के पास ऐसा टैलेंट मौजूद है जो उनको जैसे परफॉर्म करके दिखा सकते हैं। देखे आज शुभमन की बात की जाए, शुभमन गिल के सबसे पहले बात करते हैं, तो देखे जब से इनिंग ये सीरीज शुरू हुई थी उसको बड़ा ट्रोल किया जा रहा था, पहले दो मैच में चला उसको कहा जा रहा था कि यार ये बाबर के साथ कंपेयर किया जाता है, इसको अभी बाबर वाला हाल ही इसका हो रहा है, अब कप्तानी आ गया तो इसके परफॉर्मेंस नहीं सस्टेन हो रही, लेकिन उसने जैसे तीसरे मैच में आके अपना कमबैक भी किया और टीम को भी जितवाया और कैप्टेंसी इनिंग भी खेली है, आज बहुत आउटक्लास परफॉर्मेंस थी उसकी भी, और उसके साथ देखें आज उसने मौका दिया जयसवाल को, बिल्कुल ऐसा ही जयसवाल को उसने अच्छा मौका दिया और जयसवाल ने उसे यूटिलाइज भी किया, उसने बताया कि भाई जो मुझे जो वर्ल्ड कप में बाहर रखा गया था एक गलती की गई थी, मुझे चांस मिलना चाहिए था। अभिषेक शर्मा की बात करें, अभी रिंकू सिंह की बात करें, रिंकू सिंह को अभी सही तरह बारी नहीं मिल पाई, जब उसकी बारी आएगी तब पता नहीं क्या होगा, अभी इंडिया की सी टीम है तो देखें 10-10 विकेटों से हार रही है, अब यही पाकिस्तान की टीम होती थी जो जिम्बाब्वे से भी वर्ल्ड कप पे हार जाती थी।